यहाँ मैंने छोले भिगो रखे हैं आज, तो आपको आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जो बच्चों को तो सच में बहुत पसंद आती है। और ऑलवेज़ हम सोचते हैं कि कहीं बहुत अच्छे से मिल जाएं, तो सबसे पहले हम छोलों को भिगोने के लिए रख देते। तो मैं इसमें ये टी बैग डाल रही हूँ और इसके जो रैपर है ये हटा दूँगी, मतलब जो ये कागज़ है इसका हटा देंगे, नहीं तो इसमें गल जाता है। साथ में ही नमक डाल दूँगी और ये खड़े मसाले भी मैं साथ में ही ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि इसमें ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। आप लोग इसी तरीके से ऐड करा करें। और ये खाना सोडा, इसको मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, आप इसे 1/4 टीस्पून ही डालें, तो बहुत अच्छे बॉयल होती हैं इससे छोले और एकदम खिले खिले से बनते हैं, मतलब जो फट जाते हैं ना उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और साथ में ये मैंने गेहूं का आटा लेके रखा है, तो इसको हम बनाएंगे आज कुलचे। तो मैं गेहूं के आटे से कुलचे बना रही हूँ, तो हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रख के बना रहे हैं और बिल्कुल आप इसे आराम से खा सकते हैं, नहीं आपको गिल्ट फील होगा इसमें। और मैं इसमें मैंने 7 से 8 चम्मच दही डाला, तो फ्रेश दही लिया था मैंने। और ये पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं, तो पिसी हुई चीनी आप इसलिए डालें क्योंकि उसके दाने रह जाते हैं अगर हम ऐसी साबुत चीनी डाल देते हैं। और यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करें जैसे जितना आपने आटा लिया हो। और साथ में ही मैं ये ऑयल ऐड कर दूँगी, इससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट कुलचे बनते हैं, तो आप इसमें ऑयल ज़रूर ऐड करें। और बाहर से भी अच्छे छोले कुलचे आपको घर में खाने मिलेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, और बहुत ही टेस्टी बने थे ये छोले कुलचे। और यहाँ मैं 1/4 टीस्पून खाना सोडा इसमें ऐड कर दे रही हूँ, इससे ना आटा जो हमारा लग के तैयार होगा वो बहुत ही फ्लफी हो जाएगा और हमारे कुलचे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, तो दही और दूध हमें दोनों ही डालना है, इससे जो आटा लगेगा ना वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने 1 कटोरी दूध पूरा का पूरा डाल दिया है, बाकी बचा हुआ हम पानी से गूंदेंगे। तो डिपेंड करता है आपने कितना आटा लिया है, मैंने 2 कटोरी आटा लिया था भर के, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ों को ऐड करें। और यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे, तो ना बहुत सख्त डो तैयार करना है ना बहुत ढीला ढीला तैयार करना है, नहीं तो आप कुलचे बेल नहीं पाएंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा इसको मलना नहीं है, मैंने थोड़ा सा बस इसको हल्का सा मला है, और घी लगा के मतलब तेल या घी कुछ भी लगा दें और साइड रख दें, जिससे कि इसके ऊपर एक सूखी परत नहीं पड़ेगी। और यहाँ मैं इसकी फिलिंग तैयार कर ले रही हूँ, तो मैं पनीर कुलचे बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल लेंगे, मैंने नमक और धनिया ऐड किया है, साथ में ही मैं पिसा हुआ धनिया और मिर्च, अमचूर ना भी ऐड करें, चाट मसाला डाला था मैंने, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन सारे मसालों से ना फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आ जाता है। यहाँ मैंने देखिए चाट मसाला ऐड कर दिया, और साथ में ही मैं ये भुना जीरा पाउडर डालूंगी, चिली फ्लेक्स डालूंगी, तो इससे बहुत ही अच्छा जो फिलिंग होगी ना हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो आप सादा भी बना सकते हैं, सादा भी बिल्कुल इसमें बस फिलिंग ना भरें, इसी तरीके से बनाएं। और देखिए छोले हमारे कितने अच्छे बॉयल हुए, और जितने भी खड़े मसाले थे ना इसको हम जब निकाल देंगे तो ये मुँह में नहीं आएंगे, तो बड़ा ही ठीक लगता है मुझे तो। और यहाँ टमाटो प्यूरी भी मैंने बना के रख ली, साथ में ही हम ये सारे मसाले डालेंगे उसमें, हल्दी, मिर्च, धनिया और ये भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। साथ में ही मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला और ये चने का जो मसाला होता है छोले मसाला उसे डाल देंगे, अमचूर डाल देंगे, और साथ में ये कि ये मैंने गरम मसाला भी ऐड करा है। तो इस तरीके के जितने भी हमारे बेसिक मसाले हैं उससे हटके बस अमचूर और इसमें छोले मसाला मैंने ऐड किया, बाकी सारे मसाले बेसिक से। और इनको अच्छे से भूनेंगे, फिर टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, साथ में मैं ये नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि आप नमक भूल जाते हैं सारा खाना बनाते हुए? मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, तो मैं बड़े ध्यान से नमक को अपने साथ ही रखती हूँ। और ये देखिए इस मसाला भुन चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम छोलों में अपने उबले हुए, और मैं इसके बाद 1-2 सीटी और लगा देती हूँ जिससे मसाले जो है ना अच्छे से छोलों के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ सारे जो खड़े गरम मसाले हैं ना मैं इनको अलग निकाल देती हूँ। और अब इसके लिए स्पेशल सा तड़का बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले हरी मिर्च को ऐसे फ्राई करके निकाल लिया है, और यहाँ लहसुन और अदरक इसमें ऐड करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। मैंने इसे देसी घी में बनाया, साथ में ही मैंने इसके ऊपर कलर वाली लाल मिर्च डाल दी है, और अब बस तड़का डाल देंगे इसमें। और ये देखिए हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे पंजाबी छोले तैयार हुए, ऐसे गाढ़े गाढ़े छोले और कुलचे ये बहुत ही मस्त बने थे, तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाना।
चलिए छोले तो हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम कुलचों की तैयारी कर लेते हैं। तो फटाफट देखिए, मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है और अब मैं इसको एक कुलचा आपको सिंपल बना के दिखाती हूँ। अगर आप फिलिंग ना भी भरना चाहें तो आप ऐसे सिंपल कुलचे बना सकते हैं, ऐसे रोटी की तरह बेलेंगे और बस उस पर कलौंजी लगा दिया मैंने और हरे धनिए की पत्ती, और बस जहाँ से कलौंजी और धनिए की पत्ती लगाई थी बस वहीं से इसको सेक लेंगे और पलटेंगे। थोड़ा सा आप इसमें अगर चाहें तो इधर उधर से पानी छिड़क के और ढक के भी पका सकते हैं। और यहाँ देखिए एक फिलिंग वाला कुलचा बना रही हूँ मैं, फिलिंग वाला कुलचा भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये ऐसे छोले कुलचे ना पंजाब में मिलते हैं और बहुत ही फेमस है वहाँ के छोले कुलचे, तो इस तरीके के छोले कुलचे तो आप घर में आसानी से बना सकते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। और ये देखिए ये फिलिंग वाला कुलचा है, उस पर भी हमने कलौंजी के सीड लगाए और धनिया लगा लिया मैंने और हल्का सा इस पर बेलन फिराएंगे जिससे ये चिपक जाए। और यहाँ देखो मैंने जाली पे रख के ना इसको सेका है, तो बहुत ही अच्छे ये देखिए फूल के कुलचा तैयार हुआ है। तो इस तरीके से कुलचा, ये सिंपल वाला कुलचा है और इसी तरीके से आप स्टफ्ड कुलचे को सेकेंगे और बहुत ही टेस्टी। देखिए ये स्टफ्ड कुलचा है मेरा, और यहाँ इस पर ऐसे पैन पर ना आप थोड़ा सा पानी भी छिड़क के बना सकते हैं। मैंने ऐसी सिंपल इसको ढका है और साथ में मैं इसको जाली पे सेकूंगी, तो इससे ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता और बहुत ही अच्छा सिकता है। यहाँ घी लगा के देसी, ये बिल्कुल टेस्टी सा कुलचा हमारा सिंपल वाला तैयार है और ये हमारा फिलिंग वाला कुलचा तैयार है। तो इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए एकदम हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। और ये लीजिए हमारी प्लेट बन के तैयार हो गई है, तो खाएँ पिएँ और इन्जॉय करें। बाय।